तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स पहली टीम बन गई है जिसने आईपीएल 2024 के टॉप फोर में क्वालिफाई कर लिया है, यानी प्लेऑफ में पहुंच गई है। अभी राजस्थान रॉयल्स के सामने क्वालिफाई का क्यों तो नहीं लगा, लेकिन 16 अंक राजस्थान रॉयल्स ने पूरे कर लिए हैं और 16 अंक के साथ कोई भी टीम ऐसी नहीं रही जिसने क्वालिफाई ना किया हो। तो अनऑफिशियली राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और संजू सैमसन ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी अच्छी कर रहे हैं बल्कि बल्लेबाजी से भी इस आईपीएल में जलवा बिखेर रहे हैं। 450 अब तक संजू सैमसन लगा चुके हैं। एलएसजी के खिलाफ भी 77 रनों की नॉट आउट पारी संजू सैमसन ने खेली और टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और 9 में से 8 मैच राजस्थान रॉयल्स अब तक जीत चुकी है जिसमें से 7 चेस करते हुए जीती है। आप पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे तो देखेंगे राजस्थान रॉयल्स 9 में से 8 मैच जीत चुकी है, एक मैच सिर्फ हारी और 16 अंक राजस्थान रॉयल्स के हो गए हैं। नेट रन रेट 0.69 का है। राजस्थान के 16 अंक हो गए हैं और 16 अंक पर टीम क्वालिफाई कर जाती है। अभी भी राजस्थान के 5 मैच बाकी हैं और इस तरह राजस्थान 24, 22, 26 अंकों तक पहुंच सकती है। तो राजस्थान कंफर्म हो गई है कि प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान पहली टीम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कोलकाता है, तीसरे नंबर पर है। बाकी अगर नीचे देखेंगे तो रॉयल चैलेंजर्स सबसे नीचे है, 9 में से 2 मैच जीती है, 7 हारी है, 4 पॉइंट है। वहीं मुंबई इंडियंस दिल्ली के खिलाफ भी मैच हार गए और मुंबई के भी 9 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक है। पंजाब किंग्स 8वें नंबर पर है, 9 में से 3 जीत के साथ पंजाब के भी 6 पॉइंट है। तो राजस्थान तो क्वालिफाई कर रही है, बाकी 3 टीमें आपको कौन सी लगती हैं जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी?